अच्छा गबरू सीन पता क्या, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं, दो दफा वो मना हमें कर चुका पर फिर भी छुप छुप के वीडियोस बना रहे हैं। फटाफट रोजा खोलते हैं जाके। जन्नती 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 व्हाट्स अप गबरूस, तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पहला रोजा और पहली सहरी है। तो अभी मुझे मामा ने उठा दिया कि यार अब कुछ सहरी का कर लो, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, वो सामने देख रहे हैं 5 बजे रोजा बंद हो जाना है और मेरी कोई तैयारी नहीं, अभी कुछ भी नहीं खाया, अभी तो मैं खाता हूँ जाके। और काफी देर से मुझे गालियां भी पड़ चुकी हैं कि भाई रोजा रख लो उठ जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या खाने को परा हुआ सहरी के लिए इन्होंने बनाया। अच्छा खाना शाना वैसा घर वालों ने सब ने खा लिया, मेरे लिए इन्होंने मुझे लगता है यहाँ पे छोड़ दिया, ठंडा हो चुका है खाना। मैं मामा को कह भी नहीं सकता हूँ कि भाई गर्म कर दो, ऊपर से जूतियाँ मुझे पड़नी है, तो अभी क्या हड्डियाँ शड्डियाँ पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा सालन बचा हुआ है और प्लेट स्लेट कोई है नहीं। मामा ने अब यहाँ पर दही दे दिया है। मामा जी प्लेट दे दो, मैं खा सहरी कर लूँ। फर्स्ट रोजे की तो एक अलग ही वाइब होती है ना, कि इसके स्नैरी भी अलग होता है। ईद वाला दिन होता है पहला रोजा भी, आप समझ लो। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, क्या करते हैं, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा अभी कुछ खाने को। मजा है जब खाना शाना तो यस कर लिया है, अब लस्सी की बारी है। लस्सी ना पिए तो और कैसे हो सकता है कि सहरी हो जाए हमारी। लस्सी पीते हैं, लस्सी मजे की है कि नहीं। क्या बात है यार, तो चाह लस्सी करवाती है ना, वो कोई चीज़ नहीं करवा सकती सहरी के टाइम। आहा ये आप लोग बेहतर जानते हैं जो रोजे रखते हैं सहरी में। कब्रुस सहरी यस कर लिया हमने, अब वेट हो रहा है अजान का, नमाज पढ़ के सो जाए और थोड़ी दो जो तोंत बाहर निकली है वो और बाहर आ जाए। वॉक शॉक तो हमने करनी नहीं, पर वैसे मेरे सुनने में ये है कि जब भी सहरी करो ना तो थोड़ी सी ना वॉक कर लिया करो, बिकॉज के अच्छा होता है कि आपने जो इतना ओवरलोड खाया होता है और बेटाइमा खाया होता है उससे ये होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है गुड रहता है, गुड। अच्छा कब रोज नमाज वगैरह मैं पा रहा है तो अभी मुझे बहुत तेजी से नींद आ रही है, अब मैं लगा सोने, तो सुबह मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, तो गुड मॉर्निंग जी। तो बहुत गहरी नींद सोया हुआ था और ये हमारा टाइम भी खराब हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि अजान भी हो चुकी है और नमाज का टाइम हो गया, पर उससे पहले मैं कपड़े चेंज करता हूँ और नमाज पढ़ने चलता हूँ। कपड़े चेंज कर लिए हैं नमाज के, थोड़ा सा लेट हो रहे थे, अब मैं निकल रहा हूँ नमाज के लिए, नमाज पढ़ते हैं। ओ ये कौन आ गया जी, याले अरे नमाज पढ़ ली है, सुबह सुबह सन बाथ ले रहा है आपका भाई यहाँ पार्क के अंदर आके। और यार मैंने ना एक बच्चा मिला है मुझे, तो वो मुझे कह रहा था मैंने ना रोजा रखा हुआ है, मैंने कहा माशाल्लाह छोटा सा बच्चा है, मुझे बाद में फ्लो फ्लो में कहता चिरी रोजा है, मैं बस चिरी देखने आया हूँ, यहाँ दरख्त वगैरह देख रहे हैं, उन्होंने नजरे घुमा रहा था ऊपर। मैंने कहा यार ये फ्लो बड़ी मजे की चीज थी, बचपन में हमने भी बड़े चिरी रोजे कवा रोजा, पता नहीं मामा ने जो कह दिया हाँ जी वही रोजा डन हो गया। फटाफट मैंने गाड़ी निकाली, पता क्यों हुआ, ये है कि मामा ने कहा कि बेटा घर में कुछ खाने पीने को ही नहीं है, अफ्तारी क्या करनी है। तो मेरे तो समझ से बाहर हो गई कि मुझे खुद नहीं आइडिया था कि एकदम रोजा कब आया, शूट्स वगैरह में बिजी थे, आप लोगों के लिए वीडियो को नया कंटेंट बना रहे थे, तो रात को समझ लो कि मुझे पता चला कि भाई कल रोजा है। मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी भी डाला था कि भाई व्लॉग श्लॉग चाहिए कि नहीं, तो मैंने कहा कोई नहीं यार अब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने साथ साथ ही साथ। और दूसरा ये कि हमारी बुखर टीम भी कह रही थी कि हसन भाई अफ्तारी आपकी तरफ से, तो मैंने कहा ठीक है मैं निकलता हूँ। मामा ने थोड़ा सा लिस्ट तो दिया मुझे, बेटा ये साफ सामान ले आओ, पर अब भूखर टीम को मैंने क्या क्या देना क्या क्या पकड़ना है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। निकला हुआ यहाँ पे सामान लेने, वो मिनट में उनका पहुँच लगे और टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया रोजे में, सिर्फ 2 से 3 घंटे बाकी रह गए हैं और रोजा खुलने वाला है, और अभी बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं, अभी जाऊंगा तो पता चलेगा, फिर जाके उसमें काटना करना वो भी देखते हैं क्या क्या चीजें बननी है। अच्छा गबरू पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, यहाँ से शॉपिंग वोपिंग मारते हैं जाके, चेक करें आपके भाई की ग्लासेस कैसी लग रही है। क्या बोला तूने, लग रहा है नहीं रो, चल यहाँ पे रश चेक करें, लाइन लगी हुई है भाई, लोगों ने भी भूले हुए थे मेरे ख्याल से कि भाई हमने भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। अच्छा गबरू आ चुके हैं यहाँ पे, अभी ये खजूरियाँ दूरें बुक पड़ी हुई हैं, पहले तो सबसे पहले हमें चाहिए ट्रॉली, ट्रॉली हमें वहाँ पे एक नज़र आ रही है, ये रही ट्रॉली, हाय हाय हाय, पहले तो पकड़ते हैं खजूर ही यहाँ पे सामने पड़ी हुई है, खाली खजूर सबसे पहले, हम निकलते हैं आगे, वहाँ पे कोई केक रस वगैरह पड़े हैं, पर ये तो है चाय का सामान,
चाय शाय का तो चीज चाहिए नहीं अभी, अभी तो चाहिए अफ्तारी के लिए। अफ्तारी का पहले सबसे पहले बंदोबस्त करते हैं। गबरूस ग्रोसरी का सामान तो लेने आए हुए थे, बट स्टिल आप तो देख रहे भाई के बाल बार बार नीचे डाउन हो जा रहे हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे मिल जाए मुझे मेरा। अच्छा गबरू सीन पता है क्या, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं, दो दफा वो मना हमें कर चुका, पर फिर भी छुप छुप के वीडियोज बना रहे हैं क्योंकि कंटेंट तो बनाना है ना। आप लाइक सब्सक्राइब कर देना ठीक है। जन्नती 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 कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। और अच्छा गबरू ये फ्रूटर वगैरह पड़े हुए हैं, इसको आपको पता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा ही पकड़ लें, हमारा पूरा रोजा इसमें ही गुजर जाएगा। ये डाल लिया अब हमने। अच्छा गबरू सेब शेब यस कर रहा हूँ, ये चेक करें किलो को ले लिया। कुछ गंडेरियाँ वगैरह पड़े हुई हैं, ये पकड़ लें एक शॉपर, केले केले पकड़ लें एक दर्जन, पट्ठे पराठे ट्राई करते हैं, ये हमारी सैरी के टाइम काम आ जाएंगे, करेंगे पराठे। हुआ है अपना कबाब, कबाब पकड़ लेते हैं, और ये है कोफ्ते, कोफ्ते भी अपने काम आ सकते हैं ठीक है। ये दूध और योगर्ट पकड़ते हैं, ये अपना आ गया योगर्ट और ये आ गया दूध, ये भी हमारे काम है, लस्सी बनाने के भी काम आ जाए करेगा। जन्नती 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 सामान तो हमने कर लिया ही है, अब मुझे आज वहाँ लगा अब चलते हैं वहाँ। गबरू सामान वगैरह रख लिया गाड़ी में वहाँ पे ना, बेसिकली आपको बताया था ना क्योंकि वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा हाइड उड करके हमने वीडियो बना ली थी। अब निकल रहे हैं घर को क्योंकि रोजा खुलने में सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और चीज़ें भी रेडी करनी है, और बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या क्या बनाना है। मामा ने जो लिखाया है बस मुझे ये पता है कि कोई समोसे पकौड़े शायद चीज़ें वगैरह बन जाए, तो उसके अलावा कोई भी आइडिया नहीं कि लड़कों को मैंने क्या करना है। यस करवाना, या तो ये हम बाहर जाके खाएंगे या तो वो अपने अपने घर जाके खाएंगे। एक बात बताऊँ आपको, हम पाकिस्तानी क्यों पीछे हैं, पीछे रहने की वजह ये नहीं है कि भाई हम तो कोई पढ़ लिख नहीं रहे, पढ़ लिख रहे हैं यहाँ पे भी सारे लोग, बात ये कि यार पीछे इस वजह से है कि हम ना भी बहुत 10 साल पीछे सोच रख रहे हैं, 10 साल की आगे सोच नहीं है यार। व्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई मोबाइल में अपनी कर रहा हूँ, किसी को तो शो करवा नहीं रहा, पर नहीं वीडियो नहीं बनानी, अलाउ नहीं है, आपको मोबाइल पकड़ लेंगे जब्त कर लेंगे यार, गजब बेइज्जती है। तो फैंस वगैरह भी मिले उनके सब यकीन करें पिक्चर्स वगैरह भी उतारने दे रहे थे और बड़े फोर्स किया कि प्लीज एक पिक्चर उतारने दे, फिर उन्हें उतारने दी है। जलालत ही है ऐसे पाकिस्तान में, ऐसे मेरा दिल कर रहा है इंडिया आ जाऊं, ऐसे इंडिया वाला यार कोई हिसाब किताब लगाओ यार, मुझे कोई बुलाए यार वहाँ पे कोई स्पॉन्सर करे, मुझे तरीका नहीं पता कैसे है। तो यार मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया आके ना व्लॉगिंग श्लॉगिंग करूँ, ये मजा नहीं आ रहा पाकिस्तान में भाई। चैन दोस्तों पहला ही व्लॉग किया है तो पहले ही व्लॉग में उन्होंने भाई वीडियो नहीं बनानी, 1 घंटा रह गया अब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक की मान नहीं है यार पाकिस्तान की, ना यहाँ पे कोई रूल है ना ये वीडियो बना ले देते हैं। तो गाड़ी में भी कुछ होता ना, इनको आंखें नजर फिर रही होती है कि यहाँ पे कोई वीडियो बने तो ये यहाँ पे भी रोक दे, आवाज दे दे भाई वीडियो नहीं बनानी है। गबरू सामान वगैरह ले आया तो ये हमने थोड़ा सामान वगैरह फ्रिज में फिट कर दिया, और ये भी क्या पक्षक क्या रहा है जी, फ्रूट चाट वगैरह बन चुकी हुई है घर में ऑलरेडी पहले से ही, अब ये क्या दही है ये बड़ा हुआ, ओहो पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ। तो अभी रोजे का टाइम शॉर्टली रह गया। आप ना गबरू तो अभी पता क्या सीन हुआ है कि अभी मैं घर वालों के हेल्प शेल्प करने लगा, मामा भी कह रहे हैं कि मेरा हाथ बटाओ, अभी ना लड़के जा चुके हैं बिल्कुल, वो आपको बताया था ना क्या उन्होंने कहा पुखर जो मेरी टीम थी कह रही थी कि हमने कुछ खाना पीना है तो वो हम बना इस वजह नहीं पाए क्योंकि लेट हो गया ना आते आते, बिल्कुल अभी समझ लें कि आधा घंटा बचा हुआ है रोजा खुलने में, तो मैं अब क्या बनाते और सबके लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो अभी मैंने उनको कहा ठीक है आप लोग निकल जाओ, मैंने वापसी में आते हुए कहते थे लेट हो जाएंगे आप लोग निकल जाओ इंशाल्लाह कल से देखते हैं। अब मामा के पास जा रहा हूँ, देख सकता हूँ कि कुछ चीज बनने वाली रह गई तो मैं उनकी जाके ना हेल्प करता हूँ। अच्छा गबरू लाइट चली गई है बिल्कुल ही अंधेरा शेरा हुआ, फ्लैश चला के मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ, मुझे लग रही थी ठंड, मैंने कहा था अपनी जैकेट वैकेट से जैकेट पहन ली जाए। चल भाई अच्छा मजे की बात यह है कि यहाँ पे लाइट भी बिल्कुल एम टाइम पे भेजते हैं, जुम्मे की नमाज है ना जुम्मे पे भी इन्होंने भेजनी होती लाइट, ये पता नहीं इन्होंने वधू शुदू ना करें, कुछ शैतान शैतान आया हुआ है, वो शैतान तो बंद हुआ हुआ इनके अपने शैतान खुले हुए, पता नहीं क्या चक्कर है। ये मैंने काफी चीजें ना नोटिस की है, अभी लाइट बिल्कुल ही ऑफ हो गई है, अंधेरा हुआ हुआ पूरे घर में, यूपीएस हमारा काम नहीं कर रहा। अच्छा जी पकौड़े की हमारी मेकिंग स्टार्ट हो रही है, ये हमारा पहला पकौड़ा डल गया है, रोजे खुलने में सिर्फ अब हमारे पास 20 मिनट बाकी हैं। ओहो फेल हो गए हम गबरू,
ठंडे तेल में हमने पकौड़े डाल दिए। अच्छा गबरू बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, वो पकौड़ा कब से तल के रखा हुआ है, उसने अपने अंदर तीन चार पकौड़े अपने आजाद कर दिए। एक पकौड़ा डाला था, तीन चार उसके मिनी मिनी भाई भी पैदा हो गए बीच में। अब इसको फ्राई कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए तो फिर बाकी पकौड़े डालते हैं। गबरू घर में ये सब भी करता हूँ मैं, प्रैंक भी कर रहा होता ना लोगों के साथ। A few moments later. ओए गबरू रोजा खुल गया, रोजा खुल गया, रोजा चलो गबरू। दही दही पकौड़ियाँ कहते हैं गबरू इसको, दही पल्ले कहते हैं। इतना मुझे क्लियर करके बताना कमेंट में। गुरु नमाज का टाइम हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि पहले सबसे पहले ना नमाज पढ़ें, फिर आगे जो बचा बचा सामान है ना उसको निपटा। नमाज पढ़ने जा आगे सामने मस्जिद ही हमारे घर के पास। उस नमाज पढ़ ली है, बहुत मजा आया, पहला रोजा बहुत मजा का गुजरा है। अभी आपने ना एक काम लाजमी करना है, इस चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब, ठीक है। आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट आ रहा है तो आप लोगों का बनता है ना कि भाई इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और मोटिवेट करना भाई को। हाँ कुछ गलतियां वलतियां लगे ना तो लाजमी अपने बताना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।